कर बड़ी हैरानी होगी, एक क्विंटल गिलोय में से मुश्किल 700-800 या 900 ग्राम तक सत्व निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। मतलब ये जो आपका ये है कि एक क्विंटल गिलोय में से लगभग 700-800 ग्राम ही निकलेगा जी, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये तो बहुत महंगा होना चाहिए फिर जी। और मार्केट में तो बहुत सस्ता मिलता है गिलोय। देखो मार्केट में लोग क्या करते हैं, इसमें रेट के लिए बहुत ज़्यादा अरारूट मिला देते हैं। ये किसी भी बीमारी में इंसान खाए उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगा जी। तो सर आपका ये वाला गिलोय और बोतल में आने वाले गिलोय के जूस, दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम गिलोय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई बीमारी होती है या हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें गिलोय का जूस या गिलोय खाने के लिए बोला जाता है। और आपने कोरोना में भी देखा था कि ज़्यादातर डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो आप गिलोय का सेवन कीजिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में मिलने वाली 90% से ज़्यादा गिलोय मिलावटी हैं। इसका आपको फ़ायदा कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको गिलोय का एक अलग रूप दिखाएंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल रूप है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाइट कलर में, ये सब गिलोय ही हैं। तो आज हम वैद्य दीपक कुमार जी से जानेंगे कि कैसे गिलोय का हम ये तैयार करते हैं इस तरीके से, और गिलोय के कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, और कौन सी गिलोय सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती है। सर आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर सबसे पहले तो आप मुझे गिलोय का फ़ायदा बताइए कि कौन कौन सी बीमारी में गिलोय काम आ सकता है और कितना फ़ायदेमंद है। हिमांशु जी, आयुर्वेद में अमृता वर्ग की जितनी भी दवाइयाँ लिखी है उनमें सबसे प्रधान द्रव्य हमारा गिलोय, तुलसी और आंवला माना गया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गुण गिलोय में माने जाते हैं, और गिलोय बिल्कुल निर्दोष है। किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, सगर्भा हो, प्रेग्नेंट या बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इसको किसी भी तरीके से सेवन कर सकता है। गिलोय मार्केट में कई रूपों में मिलती है। गिलोय का घन भी मिलता है, गिलोय का सत्व भी मिलता है, आजकल गिलोय का जूस भी बहुत लोग बेच रहे हैं। लेकिन गिलोय में रस नहीं होता, गिलोय में सिर्फ लेस होता है। यदि हम एक क्विंटल गिलोय पीसें तो उसमें एक चम्मच भी रस नहीं निकलता। इसमें लोग उबाल करके इसको प्रयोग में लेते हैं, और कैसा भी बुखार हो, आपने देखा होगा पीछे कोरोना बहुत ज़्यादा आया, और जब कुछ आयुर्वेदाचार्यों को सूझ नहीं रहा था तो आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ गिलोय में नज़र आई, और गिलोय ने अपना चमत्कार भी दिखाया। कैसी भी महामारी आई हो, चाहे वो प्लेग के रूप में हो, कोरोना के रूप में हो, कई बार बहुत भयंकर मलेरिया आता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया हो, सब में गिलोय अमृत तुल्य कार्य करती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गिलोय से हमको लाभ ना मिले। जब डेंगू और चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा हमारे प्लेटलेट्स गिर जाएं, तब आशा की किरण सबसे ज़्यादा लोगों की गिलोय के ऊपर ही टिकती है, और गिलोय अपना चमत्कार भी दिखाती है। सर मारी, जैसा आपने कहा कि गिलोय में से तो जूस निकलता ही नहीं है, अगर आप कितनी भी गिलोय को पीसी है या कुछ भी किया, उसमें जूस नहीं निकलेगा, एक चम्मच भी नहीं निकलेगा, तो फिर ये मार्केट में गिलोय का जूस आ कैसे रहा है? इसको पानी में उबाल करके लोग जी यूज़ करते हैं। गिलोय मुख्यतः या तो सत्व के रूप में या घन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। सत्व और घन क्या होता है सर? सबसे पहले हम गिलोय को लेते हैं। गिलोय कम से कम एक उंगल मोटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी और इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के गिलोय में बहुत अच्छा सत्व निकलता है, और गिलोय को सबसे पहले हम साफ करते हैं, और उसके बाद गन्ने की रस वाली जो मशीन है उसके अंदर पिलाई करते हैं। पिलाई करने के बाद उसको पानी में डालते हैं। पहले इसको कूटते थे, लेकिन इसमें समय बहुत लग जाता था, इसीलिए समय की बर्बादी ना हो हम मशीन में निकाल करके इसको पानी में भिगो के रगड़ते हैं, और रगड़ करके छोड़ देते हैं। अगले दिन फिर रगड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तीसरे दिन इस गिलोय को हम निथार लेते हैं, अलग से छान लेते हैं, उस पानी को हम रख लेते हैं, दो दिन चलाते हैं फिर रख लेते हैं। धीरे धीरे जो गिलोय का स्टार्च है वह नीचे बैठ जाता है, और उस पानी को हम ऊपर से हटाने लगते हैं, तो लास्ट में जो गिलोय का सत्व बचता है हल्के हरे रंग में और सफ़ेद रंग में होता है, इसकी धुलाई करते हैं तो हरा रंग बिल्कुल साफ हो जाता है, सफ़ेद चिकना बिल्कुल गिलोय सत्व हमको बचता है, उसको हम सुखा लेते हैं, यही गिलोय सत्व कहलाता है।
जैसे आप देखेंगे दूध दूध से, दही दही से, मट्ठा मट्ठे से, मक्खन मक्खन से, घी घी दूध का सार है। इसी प्रकार यह गिलोय का सार है, सत्व है। और इसमें एक प्रोसेस और भी है घन का। लोग घन के लिए क्या करते हैं, उसको पानी में जब रगड़ते हैं, रगड़ करके उस पानी को खूब उबालते हैं। उबालने के बाद सारा पानी जब उड़ जाता है, नीचे रबड़ी जैसी जो बच जाती है, उसको कहते हैं घनसत्व। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, एक क्विंटल गिलोय में से मुश्किल से मुश्किल 700, 800 या 900 ग्राम तक सत्व निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। मतलब ये जो आपका ये है कि एक क्विंटल गिलोय में से लगभग 700 से 800 ग्राम ही निकलेगा जी, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये तो बहुत महंगा होना चाहिए फिर जी। और मार्केट में तो बहुत सस्ता मिलता है गिलोय। देखो मार्केट में लोग क्या करते हैं, इसमें रेट के लिए बहुत ज्यादा अरारूट मिला देते हैं। अच्छा। या स्टार से जो मार्केट में मिलता है उसको मिला देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमको लाभ तभी मिलेगा जब चीज या औषधि असली हो, तो नकली कभी कोई काम नहीं करता। कि जो ये गिलोय है, ये गिलोय का स्टार्च और सत्व जो आपके पास है, ये 100% प्योर है क्या? ये बिल्कुल 100% प्योर है, किसी भी लैब में आप इसको टेस्ट करा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी बीमारी में इंसान खाए उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगा जी। तो सर आपका ये वाला गिलोय और बोतल में आने वाले गिलोय के जूस, दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? देखो जो जूस है वैसे तो वो काढ़ा ही है, लेकिन उसमें लोग प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। हाँ। जिससे कि खराब ना हो। और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव है ही नहीं। हाँ। ये तो नेचुरल फॉर्म है, तो मैं ये कहूँगा कि इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। और कहीं किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव ना होने के कारण कुछ लोग प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें थोड़े पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिससे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा हमारे पेट में वो प्रिजर्वेटिव की मात्रा जाती है, जो कि नुकसान करती है। इसलिए हमको नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में ना लें। सर गिलोय नॉर्मली खाने में थोड़ा कसैला और कड़वापन लगता है, तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका भी हल्का स्वाद कड़वाटपन पे होगा, बहुत हल्का होगा लेकिन जी। और गिलोय के जूस को या किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए? इसका आधी से एक ग्राम तक गिलोय को हम सेवन कर सकते हैं, स्टार्च यानी कि सत्व को। सत्व को। और मैं आपको एक बात कहूँगा कि लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। और एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताता हूँ, जो कि आयुर्वेद में पुराने लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करते थे और बहुत ही सस्ता, पैसों में मुश्किल से रुपए में पड़ता है। हरड़ बहेड़ा आंवला यानी कि त्रिफला। चौथी नीम गिलोय, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। और पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया हुए। हम त्रिफले को, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय को कूट कर खूब पानी में उबाल लें और उसमें मिश्री मिला करके सेवन करें। प्रातःकाल यदि सेवन करें, हमारी लीवर फंक्शन बहुत अच्छे एक्टिवेट होते हैं, बॉडी में कहीं भी टॉक्सिन्स होंगे वो रिमूव होते हैं, हमारी किडनी के फंक्शन एक्टिवेट होते हैं, और लीवर में यदि फैट जमा हो तो धीरे धीरे वह दूर होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। साथ में एक बात और कहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वह मिश्री ना डाल करके खाली त्रिफला और गिलोय का ही काढ़ा सेवन करे तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। गिलोय का घन हो या गिलोय का सत्व हो, आप किसी प्रमाणिक फार्मेसी का ही सेवन करें, क्योंकि बहुत से लोगों को गिलोय की पहचान नहीं होती और इसमें बहुत सी बेल मिला करके वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार फायदे की जगह नुकसान मिलने लगता है। आपने देखा होगा कि गिलोय से बनी हुई कुछ चीज़ें बहुत से देशों में इसीलिए बैन हो गई क्योंकि वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिले। उनको तो इस बात का नहीं मालूम कि अमृता वर्ग की दवाई कौन कौन सी है, उनको तो रिजल्ट से मतलब है, और रिजल्ट में जब गिलोय होगा तभी लाभ मिलेगा। कुछ और टॉक्सिन्स वाली दवाई होंगी या कुछ बेल अलग होंगी तो उनसे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इस गिलोय को, इसके स्टार्च को, इसके सत्व को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं सर की फार्मेसी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है, आप वहाँ पर इसे ऑर्डर कर सकते हैं, वरना आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की वेबसाइट पर जाके भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जी, जनवरी, फरवरी और मार्च तक इसके अंदर सत्व बहुत अच्छा होता है। हाँ। निकलता है,
लेकिन मार्च के बाद जब गर्मी आने लगती है इसका गिलोय के अंदर सत्व सूखने लगता है, हाँ। फिर इसका सत्व नहीं निकल पाता। हम इन लगातार इन महीनों में इसका सत्व निकालते हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादातर इस सर्दी वाले टाइम में इसका सत्व निकाला। हमारे यहाँ पूरा हर समय पूरे दिन के दिन महीने में यह काम चलता है और ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप इसे खा सकते हैं। जी धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें बताया कि गिलोय हम कैसे सेवन कर सकते हैं और हमें बताया कि वास्तव में कैसे बनता है, क्योंकि आपने बहुत कम देखा होगा कि आपको सामने सामने आपको बनाकर दिखाया जा रहा है कि कैसे ये लोग गिलोय को तैयार करते हैं, उसके सत्व को, उसके स्टार्च को तैयार करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा गिलोय के बारे में। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, इनकी फार्मेसी से, नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और हम आप तक लाते रहेंगे हेल्थ की वीडियोस जिससे आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद।